वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ के प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के प्रबंध निदेशक ने उत्तर प्रदेश में समय से किसानों से धान खरीदने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रबंध निदेशक ने जनपदों में स्थित खाद विभाग, पंजीकृत उप सहकारी समिति, एफपीपी, पीसीएफ, यूपी एग्रो, पीसीयू और नेफेड भारतीय खाद निगम के गोदामों में स्टॉक की सीमा और व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर गोरखपुर एनआईसी भवन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर में आरएमओ सचिन कुमार और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कितना होगा? 35 लाख का है। चावल उसके पास क्या बताया था? बताया जा रहा है सर, वो जो हमारा चावल बचेगा उसका मूल्य 1 करोड़ है, 35 लाख का है इस समय। क्या करेंगे जमीन लेके? उसको ऑप्शन ये दीजिए कि आप जो है, अगर वो जमीन पहले से बंधक है हमारे पास तब तो कोई बात, उसको बेचने के परमिशन इस सर के साथ दे दीजिए, वो हमारा पैसा जमा करेगा। उतना पैसा आप अपने उसमें ले लीजिए चेक, उसके बाद सर उसमें मैं लगाऊँ, ये माननीय मंत्री जी रामचंद्र राजभर जी के टाइम की है तो वहाँ भी लगाऊंगी किसी तरह पैसे। क्या नाम है? अरे सर इसी है ना, जितना आपको कर रहे हैं उतना करेंगे। जिन मंडलों को या जिन जनपदों को टेकअप नहीं किया गया है उनपे भी वही बातें उनसे भी कहनी थी। लखनऊ मंडल के मैं जनपद वार बता दे रहा हूँ सर, क्या पोजीशन है सर? 75,47,459 रुपए होता है और इसमें 40,63,487 इसमें जमा हो गया है 4 मिलों से, और 2 मिलों इसमें अवशेष 34,83,972 है, इसी 2 मिलों का शेष रह गया है। इसी तरह मिर्जापुर संभाग के सभी अधिकारियों आज अच्छी तरह समझ नहीं है, 100% उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।